हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप टैक्स प्लस का यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप लॉगिन कर रहे हैं या लॉग आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का लोडिंग ही दिखा दे रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आपको टैक्स प्लस में इस तरह का दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जाना है अपने मोबाइल का जो सेटिंग है उसको ओपन करना है, और सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है आप मोबाइल नेटवर्क पर। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का, तो उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है एक्सेस पॉइंट नेम पर, तो उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको रीसेट एक्सेस पॉइंट पर क्लिक करना है। उसके बाद बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जाना है सिस्टम सेटिंग पर। सिस्टम सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम का, तो उस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आपको सेट ऑटोमेटिक टाइम उसको आपको यहाँ पर ऑन कर देना है दोनों को। उसके बाद बैक आना है, बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, तो उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट का, तो उस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है टैक्स प्लस को टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा यूसेज, तो उस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर अगर कोई भी रिस्ट्रिक्ट डाटा लगा है तो आपको इसको टिक करके छोड़ देना है। अगर यहाँ पर आपको डिसेबल मोबाइल डेटा लिखा है उसके साथ ऑन लिखा है तो आपको इसको ऑफ कर देना है, अगर ऑन डिसेबल डेटा लिखा है तो आपको इसको ऑन कर देना है, उतनी सी बात है। उसके बाद आपको स्टोरेज पर जाना है और इसकी क्लियर डाटा आपको कर देना है। क्लियर डाटा करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है टैक्स प्लस। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है टैक्स प्लस, और यहाँ पर आपको कोई भी अपडेट दिख रहा है तो अपडेट करें। उसके बाद आपका मोबाइल है उसको आपको एक बार रिस्टार्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको ओपन करना है टैक्स प्लस को। उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन करना चाहते हैं लॉगिन कीजिए।